मक्का और मदीना शरीफ की रमजान हमें एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, तो ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो हाँ जी बिल्कुल, आप बेहद खुश किस्मत हैं जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस रमजान इन मक्का एंड मदीना। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मक्का मदीना दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर हर मुसलमान जिंदगी में एक बार तो एटलीस्ट जाना ही चाहता है। एक से ज़्यादा बार तक अगर वो हज कर पाए, उमराह पर जा पाए, तो वो उसका सौभाग्य है। पर एक बार जाने की तो दिली तमन्ना हर किसी मुसलमान की होती है, और इस युग में जहाँ पे वर्चुअली हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो हम मोबाइल नाम का जो टूल है ना, इसका बेहतर इस्तेमाल करके अच्छी चीज़ें देखेंगे। अब सोचिए, मक्का और मदीना शरीफ के रमज़ान से बेहतर क्या हो सकता है? वैसे भी फिलहाल रमज़ान का वो पाक और मुकद्दस महीना चल रहा है। मुझे बताइए, क्या आप रोज़े रख रहे हैं? फास्टिंग से ये साफ तौर पे पता चलता है कि कितनी बेनिफिशियल ये हेल्थ के लिए होती है। ट्राई करिएगा कि आप रोज़े रखें, अपने ईमान पर अड़िग रहें, और परिवार में भी जिन ईमान वालों ने रोज़े रखे हैं, आप उनका पूरा ख्याल रखिएगा। हाँ चलिए, फिलहाल अब्दुल मालिक फरीद साहब, एक बहुत बड़े व्लॉगर फ्रॉम सऊदी अरेबिया, के साथ अपन मक्का और मदीना शरीफ में चलते हैं, और वहीं पे जाकर के रमज़ान पूरी तरीके से महसूस करते हैं कि कैसा होता है। जाहिर सी बात है कि मक्का और मदीना शरीफ के अंदर वर्चुअली पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं से हमें अजान की पाक और पावन आवाज़ भी आएगी, और मैं नहीं चाहती कि बिना सर ढके मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूं। पहले मैंने अपनी लाइफ में गलतियां कर रखी हैं जब मुझे पता नहीं था, तो बट नाउ आई नो कि वो कितनी शक्तिशाली, एकदम पावरफुल होती है, तो सर ढकना तो ज़रूरी हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल मालिक फरीद, और आपको एक और व्लॉग में खुश आमदीद। आज पहला रोजा, पहली तरावी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। देखें माशाल्लाह तबारकअल्लाह, हमारे हुज्जाज किराम माशाल्लाह मस्जिदुल हराम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत रश हो जाता है। आज पहला दिन है तो रश हद से ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए मगरिब की अजान से तकरीबन आधा घंटा रहता है सिर्फ, तो देख लें 40 मिनट पे तकरीबन अजान होगी, और हमारा सफर जारी है मस्जिदुल हराम की तरफ। इंशाल्लाह तबारकअल्लाह, देखें कैसी रौनक है मस्जिदुल हराम में। यहाँ पर तरावी पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं, और रास्ते में मैं देख रहा था काफी लोगों की सोच मेरे जैसी थी, मतलब अभी मगरिब से तकरीबन 20 मिनट रहते हैं, 10 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ पे पहुँचते हुए, तो काफी लोग जल्दी आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो नमाज के लिए उनको जगह मिल जाए आसानी से, ऐसा ना हो कि फिर जगह चली जाए। तो देखें क्या खूबसूरत मनाजिर हैं, रौनकें वापस आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह रमजान वाली। अब मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, मगरिब की अजान का इंतजार है इंशाल्लाह, और ऐसी अच्छी जगह पे बैठा हूँ। आपको बताता हूँ, देखें इधर से एसी की ठंडी हवा आ रही है, और यहाँ पर खुली हवा में तकरीबन मैं बैठा हूँ, और इधर देखें जमजम करीबी है, और खुला आसमान माशाल्लाह तबारकअल्लाह, इधर खुली ठंडी हवा लगती है, तो बड़ी मज़ेदार जगह है। मैं ऐसी जगह पे बैठना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसके बाद फिर मताफ वाली जगह, वो भी खुली जगह है और काबा शरीफ के सामने, लेकिन वहाँ पर आजकल जा नहीं सकते, सिर्फ उम्रे वाले ही इंटर होते हैं काबा शरीफ के पास जाने के लिए। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, हो गई तरावी की नमाज। देखें जमजम टावर का कितना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है, पहली रमजान को ना इस तरह चलाते हैं, तो ईद पे भी ऐसे ही ऑन करते हैं लाइट्स, बहुत खूबसूरत लगती हैं।
वेलकम बैक इनटू व्लॉग। कल हम लोगों ने तरावी पढ़ के उसके बाद गए थे तोप सिलवाने के लिए। तोप सिलवाने के लिए दे के आए, इंशाल्लाह नई तोप सिलवा रहे हैं और सिलवा फिर हल एक ही रहे हैं, एक मैं और एक मामू। तो डिनर के टाइम ही सहरी के लिए हमें भूख लग गई, मतलब डिनर के टाइम ही भूख लग गई तो सहरी भी उसी में हो गई। तो सहरी हम लोगों ने तकरीबन कोई 12 बजे कर ली होगी, जाके कढ़ाई वढ़ाई खाई, एकदम जबरदस्त करके खाया। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा, लेकिन गुज़श्ता बरस मैंने एक इफ्तार की थी मदीनतुल मुनव्वरा में, मस्जिद उन नबी में, रोजा शरीफ के सामने। तो वो वाला एक्सपीरियंस पूरा साल मुझे याद रहा, मैं भूल नहीं पाया। और आज पहला रोजा है तो मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने जाकर इफ्तार करूंगा। तो इंशाल्लाह पहले रोजे का मजा जो है ना, बस ये अल्फाज में नहीं बताया जा सकता। रमदान 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 रमदान, सुनो आई रमजान की साते, बढ़ा दी है अल्लाह हने नेमते, है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा, नहीं और किसी माँ की यूं अजमते, नहीं और किसी माँ की यूं अजमते। अब भैया सीन ऐसा है कि हम लोग अभी असर की अजान से तकरीबन आधा घंटा पहले पहुंचे और अभी से मस्जिद उन नबवी की पार्किंग्स फुल हैं हर तरफ से। मैंने उनसे पता किया, अंदर गए हैं तो उन्होंने कहा है भाई गाड़ी मोड़ो यहाँ से निकलो। तो अभी से सोच लें कि पार्किंग्स फुल हो गई है मस्जिद नबी की। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर गाड़ी पार्क करके, फिर वापस मस्जिद नबी जाएंगे। अब भैया गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ दी है और जा रहे हैं मस्जिद नबी के पास, इधर ही सूख तबाखा के पास। फिर आपको पता है ये जगह तो हमारी फेवरेट है ही, लेकिन अभी खाने का टाइम नहीं है। अभी हम लोगों ने असर की नमाज अदा करनी है मस्जिद नबी में और उसके बाद फिर सलाम अर्ज करेंगे। सलाम अर्ज करने के बाद हम लोगों ने जाना है अत्र लेने। मैंने जो लास्ट टाइम पे परफ्यूम लिया था ना, मर्ज उसका नाम था, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो वो वाला लूँगा मैं। और उसके अलावा मैंने लेना है इत्र, क्योंकि आप एहराम से पहले इत्र लगाएं जिस्म पे तो वो सुन्नत है। तो क्योंकि वापसी पर मैंने उम्रा भी करना है इंशाल्लाह, तो उसके लिए इत्र लेना है। और गाड़ी के लिए मैं चाहता हूँ कि ऊद लूँ और भी थोड़ी सी, जो एक फिजिकल ऊद आपको मतलब लकड़ी की तरह नजर आती है, उस तरह की गाड़ी के लिए ऊद भी लेना चाहता हूँ। तो ये तीन प्रोडक्ट्स मैंने खरीदनी है अहमद परफ्यूम से, क्योंकि काफी दिन पहले से उनके मैं परफ्यूम्स इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे। अलग है तरावी रोजों की शान, मजा सहरी अफ्तारी का कब कहाँ, जुदा शान है लैलतुल कदर की, के नाजिल हुआ जिसमें सारा कुरान। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पूरा इफ्तार के इंतजामात हो रहे हैं यहाँ पर मस्जिद नबी में। देखें माशाल्लाह, देखें कूलर्स के मुंह दूसरी तरफ करके रखें ताकि कोई भूल से पी ना ले। यहाँ पे भी देखें माशाल्लाह ठीक ठाक। हम असर पढ़ के पहले परफ्यूम लेने जा रहे हैं, वो इसलिए कि रोज़ा शरीफ की तरफ होगा रश बहुत ज़्यादा, तो जब तक नमाज का रश निकलेगा हम लोग परफ्यूम लेके आ जाएंगे, तो फिर वहाँ से सलाम अर्ज करके फिर इफ्तार का कुछ करते हैं। अच्छा जी, 130 नंबर गेट से जैसे ही आप निकलेंगे ये पुल है इधर, और पुल के इस तरफ आएंगे तो ये है अहमद परफ्यूम की दुकान, ये वाली। भाई अहमद परफ्यूम पे मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि ये आप लोगों को भी डिस्काउंट अच्छा दे देते हैं, और उसके अलावा इनके यहाँ परफ्यूम ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान करीम। ये वाला भाई लास्ट टाइम मैंने लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था। ये तो डन कर दें, दूसरे इसके करीब अगर कुछ है तो वो मुझे चेक करवाएं। ये मर्जी, हाँ ये मर्जी, ये इसका हो गया ठीक है। समा समर होगी ये जेंट से? ये नहीं सर। अच्छा, ये भी अच्छा लगा यार मुझे, समर उद ये दो पहले वाले। हाँ ये दो मुझे कर दे ठीक है, उसके बाद मुझे ना इत्र दिखाना भाई, ऑयल। हाँ भाई मुझे पसंद आया ये वाला,
समरूद है इसमें और इसमें है मर्च। ये मर्च तो मैंने इस्तेमाल किया, ये खास तौर पे इसके लिए मैं आया हूँ वापस, तो ये भी साथ में ले रहा हूँ, देखता हूँ इस बार ये कैसा होगा। अभी ऑयल दिखा दें, ये सब इधर पीछे सब ऑयल रखे हुए हैं, कौन कौन से इनमें फेमस कौन से? ये सब माशाल्लाह इसमें मतलब एमिरेट सुपर है, मस्क असास है, अच्छा संदल असली है, जाफरान नंबर वन, शेखा हिंद। ठीक है, आप सबसे पहले ये ट्राई करो। ठीक है, ये कौन से? दैनलूद कंबोटी मुबक्कर। दैनलूद कंबोटी मुबक्कर हम लोग की कंपनी का माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मारूफ प्रोडक्ट है। दैनलूद मुबक्कर। ठीक ठीक ठीक, और कोई एक एक दो और दिखा दे। बहुत ही बेहतरीन है, 50 ml ओनली 45 rupees। ये वाला इसमें ऊद है, मस्क है और संदल और साथ है, ये पूरा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऊद एंड रोजेस। अच्छा, ऊद और रोजेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक ठीक, अगर आपको आखिर में ज्यादा कुछ ट्राई करना है तो यात्री का गिफ्ट है मशाला। अच्छा, इसमें सारा अलग अलग खुशबू है, दो मस्क आते हैं, एक मुकल्लत और एक गैनलुक कंबोजर। ठीक ठीक ठीक, इसमें चार खुशबू है एक साथ मिल जाएंगे। अच्छा चले सही है, मैं ये वाला बस, तीन ये हो गया। अभी मुझे ना बुखूर में दे दे, बुखूर जो पूरा लकड़ी की तरह आता है ना वो वाला। हाँ, ये बिल्कुल प्योर ऊद लकड़ी वही नजर आएगा। अरे ये तो इस तरह का तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब इस लकड़ी में भी खुशबू है। वियतनाम से है, बहुत ही माशाल्लाह स्पेशल और बहुत ही मारूफ और मशहूर है। इसको लगाएं, चेक करूं मैं इसकी खुशबू। अरे इस तरह की तो बिल्कुल पहली बार मैं देख रहा हूं, मतलब हमेशा जब मैंने देखा है एकदम लकड़ी की तरह नजर आता है, ये छिलके की तरह है। कुछ और भी दिखे, खुशबू भी अच्छी है लेकिन लाइट है, मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, गाड़ी में ज्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ओद मुरू की सुपर, ये देखे ना, ये सही लकड़ी की तरह नजर आ रहा है। ये लकड़ी थोड़ा टाइम लेती है जलने में ना। ये चेक करो मामा, कैसा? हाँ, ये थोड़ा लाइट है, आप घर में भी यूज कर सकते हैं और कपड़े के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप कोई भी मतलब धनुलुक का कोई भी स्प्रे लगा के इसको अगर बकर करेंगे लगाएंगे मतलब कंप्यूटर पे या कपड़े पे, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खुशबू आती है। ये अभी सारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं आपके हैं? ठीक ठीक, जबरदस्त। ये नए वाले में से मैंने लिया था, ये बहुत अच्छा लगा है मुझे। ये इधर है, वही है ना? जी ठीक ठीक, जो भी प्रोडक्ट है माशाल्लाह हमारे मतलब स्पेशल प्रोडक्ट है और मतलब डेली चलने वाले। अच्छा, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जबरदस्त। बस सही है, इधर ये वाला हम लोगों ने समर ऊद ले लिया और यहाँ पर ऊद मरूकी लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिल्क ऊद लिया है और ये मर्च और इसमें ऑयल है, ये ऑयल लिया है हम लोगों ने। इसका क्या नाम है? ज़ुखरूफ। चलें जी, हमारी शॉपिंग हो गई और मेरी बात हुई है तौसीफ भाई से, जो कि डायरेक्टर हैं यहाँ के अहमद परफ्यूम सऊदी अरेबिया के। उन्होंने कहा है कि 10% आपको डिस्काउंट, मतलब मेरा नाम जब भी आप आके यहाँ पर अहमद परफ्यूम किसी भी दुकान पे बताएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मज़े की एक बात ये बताई है उन्होंने कि अभी जैसे रियाजुल जन्ना और मदीना की खुशबू, काबा शरीफ की, हजरे अस्वद की खुशबू, ये सब भी आने वाली हैं, तो रमजान में ही आएंगे, तो वो भी आके हम लोग ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसी हैं। मामू लगता है रोजा लगा है आपको, बिल्कुल चुप चुप गुम गुम सुम सुम है, क्या बात है? पहला रोजा है इसलिए है, लगता है मामू को रोजा जो है ना भारी पड़ा हुआ। अच्छा, परफ्यूम का मैं बताना भूल गया था कि आपका जो 10% डिस्काउंट है ना वो पूरा रमजान है, रमजान उल मुबारक में पूरा आपको डिस्काउंट मिलेगा। का टाइम भी काफी करीब आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह सलाम अर्ज कर लिया। आज बादल भी हैं मदीना मुनव्वरा में माशाल्लाह, लेकिन भाई रश हो गया, ठीक ठाक रश हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा सलाम अर्ज करके निकलने में। ले भाई माशाल्लाह, यहाँ पर देखें पूरा माहौल है, यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं अपनी इफ्तार का सामान और हम भी थोड़ा बहुत कुछ खरीदते हैं और फिर निकलते हैं मस्जिद नबवी के पास। सलाम अलैकुम भैया, बनाना है एक यार।
एक अनानास ये अंकल 5-5 रियाल का दे दें समोसा, 5-5 का सब मिक्स। ये गोश्त वाला है समोसा, ठीक है। ये कितने का? अच्छा ताज़ा है सब, चले सही है, दे दें इसमें से भी दे दें। हाँ सब 5-5। ये वाला मुर्गी का, और ये चिकन है, ये आलू है। अच्छा ये आलू है, ये चिकन है, ये चिकन है, जुबन वो भी जुबन है। इधर हमारा अनानास भी बनने वाला है भाई। ये आपका है अनानास? नहीं आपका है। अच्छा नहीं नहीं हमारे हमारे अभी समोसे में टाइम लगना है भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत कैसे रोजा लग रहा है? रोजा दिल नहीं हो रहा है। ये हमारा इधर अनानास बन रहा है भाई, ये जूस डाल दिया अनानास का, और इधर पूरे हमारे समोसे बना रहे हैं, ये डाल दिए समोसे भी, तो काम हमारा जल्दी सिमट जाएगा। वो कह रहे हैं कि होम मेड समोसे हैं, इधर घर में बना के लेके आते हैं। ये भैया हमारा अनानास आ गया, और ये हमारा है ना। शुक्रिया। सलाम अलैकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, तबीयत जबरदस्त। एक फूल बना दे जो सबसे जबरदस्त वाला है वही। हाँ आपकी तरह वो मोहब्बत खूबसूरत, सही है ना? आप खूबसूरत हैं। जदा कर लो। रोजा तो नहीं लगा आज? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रोजा। एक तो आप फूल के ऊपर खड़े हो बार बार, रोटी सामने नहीं लगता? रोजा नहीं लगते, सुकून है, है? माशाल्लाह मदीने में सुकून होते हैं, मदीने में सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक रोटी भी बनवानी। ये हमारा भाई बन गया फूल, शाह साहब। नाम तो मुझे शाह साहब याद है, आगे नहीं याद। मिर्ची वाला मटेरियल ज्यादा डाल दे, यही ले लेता हूँ, टाइम बच जाएगा, चला जाता हूँ। ये देखें भैया, गुज़श्ता बरस हमने ऐसी रोटी खाई थी मस्जिद नबवी के सामने, ये भी ले लिया, इधर फूल भी ले लिया। देखें भैया यहाँ पर माशाल्लाह बांट रहे होते हैं, जगह जगह पे ना कुछ बांट रहे होते हैं। इधर हमारे कबूतर हैं, और हम जा रहे हैं सीधे मस्जिद नबवी की तरफ। देखें भाई खजूर बांट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह शुक्र ही खजूर है भाई, क्या बात है। मामू आपने नहीं ली खजूर? मैंने, ये मेरे वाली खजूर पे नजर रखी है। अच्छा आपको मजे की बात बताता हूँ, सिर्फ मैंने ना अभी मामू को कहा ही है कि यार मामू खजूर नहीं ली हमने, तो मामू ने कहा वो देखो वो सामने बांट रहे हैं, जाके ले ली। ऐसी मजे की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों रब की रहमत से मायूस हम, खजाने हैं उसके भला कोई कम, दिया उसने काफिर को भी बेबहा, हमें भी वो दे। हमजा माशाल्लाह हमजा भाई हैं यहाँ पर, हुज्जाज की खिदमत कर रहे थे, तस्बीह बांट रहे थे, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। भाई हैं आपके? नहीं दोस्त हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे इफ्तार का सामान खो रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ चीज़ें यहाँ पर लोग हमें देखे गए हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। सब भाई बैठ के खाएँगे, ये अजवा खजूर भी है हमारे पास माशाल्लाह। ये इधर समोसे हैं अलग अलग किस्म के, ये फिर जब अजान होगी ना फिर खोलेंगे। इधर भाई हमारे पास चीज़ वाले समोसे हैं, इधर भी चीज़ वाले स्पाइसी हैं, इनमें मिर्ची है, और ये फूल। इधर हमारे पास दही है, पानी है, ये ब्रेड यहीं पर हमें देके गए थे, और सुकरी खजूर है हमारे पास, और यहाँ पर जूसेस हैं, और ये एक रोटी है, इसको क्या कह रहे थे यार उस टाइम पे, बरहर ये तिल इसके ऊपर लगे हुए हैं, शहद लगा हुआ है, और अनानास है। फिर इधर कीमे वाले समोसे हैं हमारे पास। تفضل تفضل يا شيخ يا اخي خذ كله ما عليك تفضل
كيف هاي خذ خذ كمان خذ يا ابوي بالعافيه هذه يمكن لي اكل الله الله ايه ده ايه ده कितनी प्यारी जगह यार रियली मक्का ना लिखी मक्का मदीना इतना प्यारी जगह बहुत प्यारी वीडियो थी सच में एकदम ऐसा लग रहा था ना देख के कि काश मैं भी वहाँ पर होती यस बहुत मन है हमारा भी जाने का और जरूर हम भी जाएंगे और यहाँ पे जो इफ्तारी के समय में देख रहे थे ना लोग बट रहे थे जैसे इनको खजूर मिला खाने के लिए और भी बोल रही थी इधर उधर चीजें मिलती वो कितनी अच्छी चीज है यार लोग देते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं ना काम करने वाले होते रहते हैं तो उस समय इफ्तारी नहीं रहता ठीक है और बहुत से ऐसे गरीब लोग भी होते होंगे जिनके पास नहीं रहता तो ये खुद अपने जो लिए थी चीजें उनसे बोल रहे थे क्या क्या वहाँ पर रोजा खोल लो ये कितनी अच्छी चीज है वहां पे और एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं खुद यहाँ पर पॉलीथीन के ऊपर सब चीजें खाते पीते हैं फिर उस वही पॉलीथीन से डस्टबिन में डाल देते ये चीज बहुत अच्छी थी बहुत प्यारी तो इतनी प्यारी जगह है ये सच में और वहाँ पर दुनिया भर के लोग आए हुए होते हैं ये वीडियो के 8-10 मिनट में तो मैं खो गया था वीडियो में क्या हो रहा है मैं एकदम मतलब मैं ऐसा लग नहीं रहा था मेरे को ऐसा लग रहा है नॉर्मल हम लोग वीडियो देख रहे हैं वहीं पर साथ में है ऐसा लग रहा था ना एकदम खो गए थे और ये रिएक्शन कैसे थे बात करने का जो तरीका है ना वो इतना प्यारा लगता है बहुत ही अच्छे लगते हैं ये उनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं मैं बहुत टाइम से देखती हूँ इनका मतलब मैं बहुत बड़ी फैन रूह खुश होगी यार सीरियसली रूह खुश होगी आई दी वीडियो देख के क्योंकि बड़ा पीसफुल जहा मैनू लगा सारा सिस्टम तो भाई जिस ढंग नाल ये व्लॉग बना रहे हैं ना लग रहा बड़ी शांत है रिलैक्स है उत्थे जाके मतलब सारे जने कहते हैं ना कि असं उत्थे जाके शांत हो गए लेकिन भाई देख रहे हैं कि वाकई उत्थे जाके ना ही इज़ रिलैक्सड एंड लग रहा कि खुदा दे घर गया बंदगी कर रहा है अमेजिंग सी यार सीरीयसली बहुत मज़ा आता मैं इदा की वीडियो देख के एंड लिटरली मतलब दिल कर लग जाता कि हाँ काश असी भी उत्थे होंगे इस टाइम उत्थे पहुँच जाते तो जिदा मैं अगली वीडियो गल कर रहा कि हो सकता तो काफ़ी सारे जोड़े मेरे मुस्लिम वीर भैन आ उन्होंने सारे का ख्वाब हो इतें जाने तो अल्लाह करे तो सारे का ख्वाब पूरा हो ठीक है तो पहले दिन तुम चलो पहला दिन तो हम लंघ गया जोड़े गए हो गए वैल एंड गुड है जोड़े नहीं गए तो हजे रमज़ान बहुत प्या दिन अगे वाहगुरु करे अल्लाह करे कि जोड़ा ख्वाब है पूरा हो रमज़ान के कद ना कद उत्ते प्रोग्राम बना के जरा पहुँचो तो सही गल है यार क्योंकि देखो इन्ने टाइम बाद मतलब रमज़ान आता ठीक है 11 महीनों बाद रमज़ान आता तो उस तो बाद इन्ना क्या कर ही सकते हैं कि इस टाइम अपने जो जो अपना रूट है जो है ना तुम उत्थे पहुँचो तो उस चीज़ को सैलीब्रेट करो है ना एंड जदों एक दूजे नाल इन्हां दी जो वार्तालाप सी ना वो मैनूं बड़ी इंट्रस्टिंग लगी क्योंकि बड़े प्यार नाल गल कर रहे एक दूजे नाल है ना खुदा दे घर विच जेकर कुछ ऊच नीच हुंदी है लड़ाई झगड़ा हुंदा तो चंगा नहीं लगता सोहना नहीं लगता एक फीलिंग ही नहीं चंगी आउंदी पर एक दूजे नाल इदां प्यार नाल गल कर रहे एक दूजे नूं रिकमेंड करनियां चीज़ां अहमियत देनी प्रायोरिटीज़ देनियां आई थिंक ओदे नाल एक पॉजिटिविटी जिहड़ी अग्गे झलकदी तो अब्दुल मलिक फरीद भाई के चैनल पे भाई ने वीडियो बनाकर अपलोड किया है बहुत दिल को सुकून मिल गया वाकई में इस वीडियो को देखने के बाद मज़ा आया ना दिल को सुकून मिल गया वाकई में और शुरू में तो मैंने सोचा था कि ना कि ये जो वीडियो है ब्लॉग की वीडियो सिर्फ मक्के की ज़ियारत करवाएंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरी वीडियो देखना मैंने शुरू किया हम दोनों भाइयों ने जब शुरू किया तो सबसे पहले मक्के की ज़ियारत ये करवा रहे थे लास्ट में जब मेरी निगाह इस टाइटल पर पड़ी तब इसमें लिखा भी हुआ है मक्का एंड मदीना तब मैंने सोचा कि नहीं मदीने की भी ज़ियारत होगी सरकार के रोज़े की भी ज़ियारत होगी तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि तमाम तर लोग अपने दिल में यही ख्वाहिश रखें और हमेशा यही दुआ करते रहे कि सरकार ज़रूर मदीने शरीफ में हम लोगों की हाजिरी लगवा दें और मक्के और मदीने की ज़ियारत करवा दें और उम्रा या फिर हज की नीयत से हम और आप ज़रूर एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जाएं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो ना तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अमजद क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कि इस टाइप की वीडियोस और भी आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बहुत ही प्यारी बन रही है बहुत ही वधिया बहुत ही प्यारी बनी सी बहुत किस्मत वाले लोग होंगे मक्का मदीना रमज़ान करते हैं ना
थैंक यू सो मच भैया कि आप इतने बेहतरीन वीडियोस हमारे लिए लेकर के आते हैं, क्योंकि हर किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो मक्का मदीना जाकर के अपना पहला रोज़ा खोले, काबा शरीफ के सामने बैठ करके सहरी करे या इफ्तारी करे। तो हम तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं भाई साहब का कि इनकी वजह से ये सारी चीज़ें आज एक्सपीरियंस कर पाए। और हाँ, ये आपको इंस्पायर भी करता है कहीं ना कहीं कि हाँ, एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा जब मेरा रमज़ान मैं काबा शरीफ में पूरा करूँगा, मैं 5 वक्त की जो नमाज है वो मक्का मदीना जाकर के पढ़ूंगा। सोच करके भी कैसे मन प्रफुल्लित हो जाता है, अंदर से एक खुशी उमड़ती है। अभी मेरा तो वाकई में दिल भर आया है ये वीडियो देख करके कि सबके बीच में कितना प्यार होता है। आपने वो छोटे छोटे जेस्चर्स नोटिस करे जब वो लोग बैठ गए थे इफ्तारी करने के लिए, तो उन्होंने अरबी भाषा में ही कम्युनिकेट किया होगा, भाषा नहीं समझ में आई पर भाव पूरी तरीके से समझ में आया। वहाँ पे सब ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे एकदम सगे फैमिली मेंबर्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं था, जैसे अल्लाह सुभान व तआला कोई अंतर नहीं करते ना हमारे बीच। वैसे ही उनको इतना सारा फूड ऑफर हुआ, उनको एक बन मिला, खजूर मिले और उन्होंने भी फूड ऑफर किया, उन्होंने वो अपनी जो हनी और तिल वाली रोटी थी वो ऑफर करी। चलिए, फिलहाल काफ़ी गुफ्तगू हो गई हमारी, पर ये वीडियो देख करके दिल को सुकून मिला, एक रूहानी सुकून का एहसास हुआ। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस पर रोज़ाना रिएक्शन जारी रहेगा और हमारा मिलना, हमारा रब्ता रूबरू होना भी कंटिन्यू ही रहेगा। सो टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपने पूरे परिवार वालों का, एस्पेशली इन रमज़ान तो ध्यान रखना ही है, वैसे भी रखना है पर अभी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। अल्लाह हाफिज़।